वन मिनट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज दिनांक 2 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेंगे, वो भी एक मिनट में। तो दोस्तों हाल ही में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में 1 मई को मनाया गया। हाल ही में RBI के अनुसार क्रेडिट व डेबिट कार्ड जारी करने के लिए NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास 100 करोड़ रुपीस मिनिमम नेट ऑन फंड होना चाहिए। हाल ही में फिनलैंड देश ने लॉक्ड शील्ड 2022 नामक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज को जीत लिया। अभी नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लिकेटेड लिव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन किया था, इसी में फिनलैंड देश ने टॉप किया है, जीत लिया है। और दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य ने सिद्धलिंगा स्वामी जयंती को एकीकरण दिवस यानी कि यूनिफिकेशन डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में PV सिंधु जी ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। हाल ही में एड्रेशिर BK डुबाश जी को पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार यानी कि पेरू जोस ग्रेगोरिया पाज सोल्डन की राजनयिक सेवा में ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया। हाल ही में दीपिका पादुकोण जी एक भारतीय अभिनेत्री है, उनको ही अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर के रूप में भाग लेंगी दीपिका पादुकोण। हाल ही में स्पेस सैटेलाइट्स के अगेंस्ट मिसाइल टेस्टिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाला अमेरिका यह पहला देश बन गया। हाल ही में फसल वर्ष 2022-23 के लिए फूड प्रोडक्शन टारगेट 328 मिलियन रखा गया। हाल ही में इंटर हॉस्पिटैलिटी मेला जिसका नाम रखा गया था आहार 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में चाइना देश ने सेंझाउ 13 नामक सबसे लंबा मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार डेली एक्सपेंडिचर लिमिट $1.90 है, ऐसी घोषणा की थी दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 2 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, वो भी एक मिनट में। धन्यवाद दोस्तों।